कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम परि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत है। अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों ने प्रभुपाद का अलग अलग प्रश्न किया है, उसका उत्तर में प्रभुपाद क्या बताए ये ग्रंथ है। आज हम एक प्रश्न और एक उत्तर सुने। किसने प्रश्न किया है, कभी कभी जो प्रेमी की जो भक्त लोग होते हैं कभी कभी वो हंसते भी है और कभी कभी ये रोते भी है। अरे ये भक्त लोग क्यों कभी कभी हंसते हैं, क्यों कभी कभी रोते हैं, क्यों इसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं। प्रेमी की तो भक्त रे क्रियाकलाप बुझा बड़ा कठिन। जो प्रेमी की भक्त है, साधारण व्यक्ति नहीं, जो भक्ति करते करते जो प्रेम अवस्था को प्राप्त किया है, उनका क्रियाकलाप बुझना बड़ा ही कठिन है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चिनित नारे देवे रे सकती मुई को न जान हई अति मूढ़। वो कह रहे हैं वैष्णव को देवता लोग भी नहीं समझ पाते, मैं मूढ़मति मूर्ख बुद्धि वाले मैं क्या वैष्णव को पहचानूंगा हैं। इसलिए हमारी नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, जो बंसीदास बाबा जी महाराज एक हुए तब हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो बहुत बुद्धिमान थे, बड़े बुद्धिमान थे, उनका तीव्र बुद्धि थी और उन्हें तर्क वितर्क और उन्होंने जो फिलोसफिकल जो उदाहरण बहुत ये थे, बुद्धिमान थे। वो कहते थे मेरे को एक बार प्रभुपाद ने उनको पास में भेजा, कोई उनको नहीं समझते थे ये भजन भक्ति, इतने बड़े बड़े जट्टा है एकदम पागल जैसे रहते थे। कभी कभी तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर पानी में छोड़ देते थे, गंगा में नहाने जाते तो चंद्र डाल देते थे, बोले तुम दोनों भैया नहाते रहो, अब मेरा नहाना हो जाएगा तो तुम दोनों को हम ले जाएंगे। अरे कभी कभी कहते थे जो गौर है ना ये बड़ा नटखट है लेकिन नित्या ही सही है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है। क्योंकि जब तक तो गुरु जी कृपा नहीं हो ठाकुर को कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पाद, नित्यानंद प्रभु कृपा से ही ब्रज में राधा कृष्ण मिलता है। इसलिए एक बार वो जब गए वो कहते हैं उन्होंने एक शब्द कोई उच्चारण किया था बंसीदास बाबा जी महाराज, तब भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज कहते उसको समझने में के लिए मेरे कितने महीना लग गया, वो क्या बोले। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना बुद्धिमान, लेकिन उनका एक शब्द को मैंने समझ नहीं पाया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारे विषय पागल बोलिया अंगे ते दिवेक धूली। इसका मतलब है कब ऐसे हमारी दीन हो, हमें लोग क्या समझे, हमें पागल समझे और मेरे ऊपर में धूल झोंके। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे क्या हो रहा था, बच्चे उनको पर धूल झोंक रहे थे उनको ऊपर में, हाँ कोई ईंट पत्थर मार रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, कभी नाच रहे हैं
कभी चाह रहे हैं, कभी उन्माद बत होकर कभी हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, रो रहे तो रो रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने जहाँ 88,000 ऋषि लोग थे, जब उनके अंदर में प्रवेश किया ना, कहते ना जो जौहरी सोनार किया, जौहरी हीरे को पहचान, हाँ इसलिए, हाँ इसलिए जो सोनार है ना वही व्यक्ति सोने को पहचान सकते हैं, सब सोने को नहीं पहचान सकते। इसलिए कहते भक्तों को पहचानना, कि देवता लोग भी भक्तों को नहीं पहचान सकते। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा महाराज को क्या करते थे, चारों तरफ में मछली कांटाओं को फेंक करके हैं बीच में बैठ करके भजन करते थे। क्यों? लोग हम ये समझे ये मछली खाने वाले बाबा, अब हमारे पास में कोई आए नहीं, मेरे को कोई विरक्त नहीं करे। और श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो तो पायखाना को अंदर में, जो पायखाना अंदर में बैठ करके जो पुराना हो गया उसमें बैठ करके भजन करते थे, हैं भजन करते थे, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, समझे इसे पागल आदमी है, पागल आदमी है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वैष्णवों को पहचानना बड़ा कठिन है, हाँ बड़ा कठिन वैष्णवों को पहचानना। कहते प्रेम ही भक्त को उन्मत्त करे, भक्त निजे किचु करे ना। कहते जो भक्त जब भजन करते 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 जब प्रेमावस्था को प्राप्त करता है, उसको बाद में भक्त अपना कंट्रोल में नहीं रहता है। उस समय जो कंट्रोल करने वाले भगवान है, भगवान कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो साधन है वो एक स्थिति में लेकर के साधकों को छोड़ देता है, साधन एक स्थिति में लेकर के साधकों को छोड़ देता है। जहाँ तक हमें साधन करनी चाहिए, जब तक ये अनर्थ निवृत्त नहीं हो जाए हमारी है हृदय से, सारे अपराध हृदय से नहीं चले जाए, रुचि निष्ठा, उसको बाद में जब ये भावावस्था आती है ना, फिर तो कभी कभी भगवान के बंसुरी शब्द को सुन करके कभी कान ऐसे खड़े कर देते, कहाँ से इतने सुंदर आवाज आ रही, कभी कभी उनको ऐसे लगता है जैसे भगवान आए उनको स्पर्श किया और उनका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे स्थिति होता है भगवान आकर के अपना अधरा अमृत पिला कर चले गए, अपना जीव को चाटने लग जाते हैं, कौन मेरे को ये अधरा अमृत पिला है। कभी कभी चरण की नुपुर की ठाकुर की छम 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 आवाज़ सुनाई पड़ता है, एकदम कान खड़े कर देते, कहाँ से आवाज़ आता है। कभी कभी उनको ऐसे लगता है जैसे भगवान सामने प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए, और उनका इतने प्रकाश है जिसमें एकदम उनको आँख एकदम चकाचौंध हो जाता है, चकाचौंध हो जाता है। इसी उसी समय में भावावस्था में भक्त इसी जगत में नहीं रहता है, वो रहता है दूसरे जगत में, वो दूसरे जगत में रहता है, इसी जगत में नहीं रहता है, इसको कोई हुदहुद नहीं रहता है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर माधुर्य कादंबिनी में वहाँ वर्णना किया है, मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग भी उनकी क्रियाकलाप को समझ नहीं पाते, अलग अलग लोग उनको अलग अलग नाम पर कहते हैं, हाँ अलग अलग उनको उदाहरण देते हैं, लेकिन उनकी भावना को कोई समझ नहीं पाते हैं। हाँ वो उन्नत अवस्था उस समय में भक्त कुछ करता नहीं है, साधन वहीं तक है, उसको बाद में फिर साधन करने का जरूरत नहीं, फिर तो भगवान उनको जैसे करवाते हैं फिर वो वैसे करते, भगवान जो कराते हैं। इसलिए यह कहते हैं, कहते हैं निजे भक्त किचु करे ना, भक्त उस समय कुछ भी नहीं करता है। क्या होता है, कृष्ण राग है ले भक्त कखन हासन कखन कांदे। जब कृष्ण का प्रति इनको बहुत अनुराग हो जाता है, कभी हंस रहे तो हा 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 महाप्रभु जैसे, हंस रहे तो ठा लाग रहे हा 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 करके घंटे तक हंस रहे, और जब रो रहे ना, रो रहे तो घंटे तक रो रहे महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु जब गया से वापस आए, महाप्रभु गया में अपना पिताजी की पिंड देने के लिए महाप्रभु गए थे, जब उन्होंने पिंड देने के लिए गए और भगवान के चरण चिन्हों को महाप्रभु दर्शन किया, गदाधर चरण चिन्ह, महाप्रभु इतने रोए इतने रोए, आँखों का आंसू से पूरा भगवान के चरण को उन्होंने पूरा भिगा दिया। फिर जब ईश्वरपुरी अपना गुरु जी से मिले, महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमा, बोले आज हमें गया आना मेरा सफल हो गया। बोले क्यों, बोले जब तक क्यों न देखिला चरण तुम्हारे,
जब हमने अपना गुरु जी के चरणों को दर्शन किया मेरे जीवन धन्य हो गया आज। बोले क्यों? बोले तीर्थे पिंड दिले तरे सही जल, जैसे गया जी में जाते हैं पिंड देने के लिए, अब जिसकी उद्देश्य में पिंड देते हैं उसका ही कल्याण होता है और किसी का कल्याण नहीं होगा, जिसके पिंड उद्देश्य में तो उसका कल्याण। लेकिन जो भक्त दर्शन का महिमा कहते हैं, बोले तुम्हार दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खणे भवबंध पाए विमोचन। लेकिन जब किसी शुद्ध वैष्णव का दर्शन हो जाता है, शुद्ध भक्त का दर्शन हो जाता है, कहते एक पितृ नहीं, कहते करोड़ों पितृ लोगों का कल्याण हो जाता है। उसी समय में सारे भव बंधन हमारी नष्ट हो जाता है। अतएव तीर्थ नए तुम्हार समान, महाप्रभु कहते हैं हम संतों के सामने तीर्थ का उदाहरण नहीं दे सकते हैं। तीर्थ तो एक जगह पर रहता है, जो तीर्थ में आते हैं थोड़ी सी पाप दूर करता और कुछ नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, जो कहते ना तीर्थ जाने पर पवित्र हो जाएगी मन का भ्रम है। बोले चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे, तीर्थ स्नान करने से चित्त स्थिर नहीं होता है। आज यहाँ गए कल वहाँ जाएंगे, कल वहाँ जाएंगे, कल अमुक जगह पर जाएंगे और थोड़ी समय के लिए गए पाप को धो करके आ गए, फिर घर में आकर फिर वही अगड़म बगड़म, फिर सारा दुनिया पाप करना शुरू कर दिया। लेकिन केवल भक्त दर्शन से क्या होता है, हरि कथा के द्वारा क्या करते, बोले संत एवास छिंदंती मन अभ्यास संदी, कत संत हर समय एक तलवार जैसे बाणी क्या करते हैं, हमारे अंदर में जो अनर्थ है वो उसको वो काट देते हैं। काट करे क्या करते हैं, भगवान का साथ में हमको संबंध जोड़ देते हैं, भगवान के साथ में हमारे संबंध को वो जोड़ देते हैं। इसलिए कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराने से सब भक्तिर प्रवचन, के शास्त्र में जो लिखा हुआ तीर्थ जाने से पाप धूल जाता है, हैं कहते ये भक्ति का वंचना केवल है, ये केवल वंचना है। बोले तीर्थ फल साधु संग, कहते शास्त्र में बताया तीर्थ में जाओ, शास्त्र ही कहते जाओ, लेकिन तीर्थ का फल किया, बोले वहाँ पर साधु रहते हैं, साधु दर्शन होगा, कथा सुनेंगे, हमारे हृदय हमारी पवित्र होगा, हृदय में भक्ति प्रेम को वो भर देंगे हृदय में। इसलिए शास्त्र में तीर्थ जाने के लिए इसलिए बताए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जे तीर्थे वैष्णव नाहीं से तीर्थे ते नाहीं जाई किला भाटिया दुर्देश, जिस तीर्थ में जाकर के भक्त दर्शन नहीं मिलेगा, हरि कथा नहीं मिलेगा, चल चल कर क्या होगा, केवल पैसा खर्चा होगा, परिश्रम होगा, वापस में आए कुछ नहीं। हमारे उड़ीसा में एक महीना कार्तिक महीना सब जागरण करते हैं, जाएंगे जगन्नाथपुरी में रहेंगे एक महीना तक, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएंगे सिद्ध एक साथ में, है सब कुछ एक साथ में, रसोई बना करके ना थोड़ा घी डाल करके सब एक साथ में दे तो घी डाल कर खा लेंगे, दिन में एक बार खाएंगे और गुड़ पकाएंगे, मतलब समुद्र में रोज समुद्र में नहाने जाएंगे, एक महीना तो खूब नहाएंगे धोएंगे पवित्र किया। लेकिन जब घर में आएंगे ना, बोले एक महीना तक ये साग जब खाते खाते मुंह खराब हो गया, ले आओ आज बढ़िया मछली ले आओ, मुर्गा ले आओ, बकरा ले आओ, हैं इतना दिन तक खा खा करके मुंह खराब हो गया घूम घाम करके, ले आओ बढ़िया, फिर तो उड़ाएंगे पूरा हैं, ए एकदम बढ़िया अगर बना कर खाएंगे। तो यहाँ उदाहरण क्या हुआ तुम्हारे, जैसे हाथी को तालाब में नहाया तब तक पवित्र रहा, जब तक ऊपर आते ही सारे धूल को लेकर फर्र करके उड़ा दिया, बेकार हो गया ना, बेकार हो गया सब। कहते उसी तरह, लेकिन यहाँ पर कहते जीवन में अगर साधु संग मिल गया बस जीव का कल्याण साधु संग से, और किसी को द्वारा जीव का कल्याण नहीं होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्त लोग कब हंसते हैं कब रोते हैं, तभी करते हैं जब भगवान के चरण में उनका अनुराग होता है, ठाकुर जी के चरण में उनकी जब प्रेम प्रकट होता है तभी वो हंसते हैं कभी रोते हैं, हैं? तो यहाँ कारण बताते हैं क्यों हंसते हैं, कारण क्या, कारण कहते हैं देखछन जगत की करछे अथवा तखन विश्वम पूर्ण सुखायते,
उसी समय में इतनी हंसते हैं, कहते ना जिसकी अंदर जिसकी भावना रही जैसी हरी मूरत देखी तिनी तैसी। इसलिए अपना हृदय में जैसे भाव है ना, हम देखना दुनिया को वैसे दिखता है। आकाश का रंग तो एक रंग, जैसे हम चश्मा पहनते हैं ना, हमें आकाश भी वैसे रंग दिखने लग जाती है ना। कहते उसी तरह जो भक्त है वो हृदय में क्या देखता है, विश्वपूर्ण सुखायते, सारा दुनिया को आनंद आनंद में देखता है, क्योंकि उसके हृदय में आनंद है, उसके हृदय में प्रभु दर्शन की आनंद है। वो आनंद होने का नाते सारा दुनिया को वो आनंद आनंद में देखता है, इसलिए आनंद में देख करके वो हंसने लग जाते हैं। और रोते हैं क्यों, रोते हैं इसलिए, ताई तीनी आनंदे हास्य सर्वत्र कृष्ण दर्शन मय। कहते आबार कखन कांचेन जगतर लोग कत अशांति रहे छे, अन्य लोग की विवेचना कर छे, तार ग्राह्यर विषय हो छे ना। इसलिए इसलिए रोते हैं जब दुनिया को देखते हैं, सब लोग दुनिया में दुखी दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। जब दुनिया को देखते हैं सब दुखी 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 दुखी, दुनिया का दुख देख करके इनको भी बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भगवान नरसिंह देव जब प्रहलाद को बोले वर मांगो, प्रहलाद क्या मांगता है, बोले प्रभु ये विश्व ब्रह्मांड में जो इतने सब जीव दुखी दुखी है, उनके सारे दुख का मेरे को दे दो, मैं करोड़ों काल के लिए इनका दुख को लेकर के नरक भोग करूँ, आप दुनिया को उधार करो, संसार में दुनिया को आप अपना चरण में स्थान दे दो। भगवान बोले प्रहलाद अगर तुम्हारी ऐसे इच्छा है ना एक ब्रह्मांड को उधार करना, मेरे एक ब्रह्मांड नहीं, मेरे तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, इसलिए तुम्हें सब दुखों का कष्ट लेने का जरूरत नहीं। तो अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है ना, मैं एक ब्रह्मांड को पूरा उधार कर देता हूँ। प्रहलाद बोलने पर एक ब्रह्मांड को पूरा उन्हें ठाकुर जी अपना वैकुंठ में स्थान दे दिया। मतलब भक्तों का हृदय इतना महान, जब प्रभु का भक्ति करते हैं ना, भजन करते हैं, उनका हृदय बड़े महान होता है, बड़ा महान होता है। और जब भगवान बोले वर मांगो, उन्होंने क्या बोले, मेरे पिताजी को नरक में मत भेजा करो, प्रभु मेरे पिता बड़े दुष्ट थे, मेरे को तो मारने के लिए जिंदगी भर उनका समय गया है, केवल मेरे को मारने के लिए कोशिश की है। लेकिन जो पिता जिंदगी भर उसको द्रोह किया, मारने के लिए कोशिश किया, भगवान जब कहते वर मांगो क्या कहते, पहला वर है मेरे पिताजी को उद्धार करो। लेकिन इस जगत में क्या होता है, अगर उनका दो तीन बच्चा हो ना, अगर किसी बच्चे को हिस्सा में थोड़ी सी कम पड़ गया, कम हिस्सा में थोड़ी सी कम, इसको ज़्यादा मिल गया ना, जब तक जिंदा रहेगा डोकरा डोकरियों को गाली देते रहेगा, बोले हमें कम दिया उसी बच्चे को ज़्यादा दे दिया। हमारे गांव में घटना हुई प्रभु जी, क्या हुआ, उनको बहुत संपत्ति था, किसी बच्चे को हिस्सा में थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी कम, जब पिताजी शरीर ही छोड़े ना, पिताजी का शरीर ही उठाने के लिए नहीं है, पिताजी को शरीर उठाने के लिए नहीं आए, बोलो वो करेगा उसको हिस्सा में ज़्यादा पड़ा है ना, हम क्यों जाएंगे, हम नहीं जाएंगे उस शरीर को उठाने के लिए। अंतिम समय में संस्कार इतने बुरे तरह से क्या जो सोच नहीं सकते, दुनिया बड़ा विचित्र है, इतना स्वार्थ है दुनिया है। लेकिन जो भक्तों का हृदय है क्यों रोते हैं, दुनिया को कष्ट देख करके रोते हैं, दुनिया का कल्याण कैसे होगा, भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, दुख कष्ट भोग करते हैं। तो इसलिए भक्त क्या चाहते हैं, इसलिए भक्त लोग क्यों दुनिया में प्रचार करते हैं, क्यों जाते हैं दुनिया में, क्यों प्रचार करते हैं, कारण यही है, ये लोग हरिनाम करें, भगवान की भक्ति करें, इनका भी उद्धार हो, ये भी जीवन में सुखी रहे, ये भी जीवन में शांति में रहे, प्रभु का भक्ति में हरिनाम से इनको शांति सुख इससे ही मिलेगा। इसलिए भक्त लोग दुनिया में जाते हैं प्रचार करने के लिए, हैं प्रचार करने के लिए जाते हैं। इसको जब पहले प्रचार किया ना प्रभु जी, पहले उन्हें रसिया कम्युनिस्ट कंट्री थी, कम्युनिस्ट कंट्री था, वहाँ पर कहीं भगवान का नाम आम कोई प्रचार नहीं कर सकते थे। लेकिन इस्कॉन का भक्तों ने छुप छुप कर गीता बांटी, छुप छुप करके, और वहाँ पर कम्युनिस्ट कंट्री और वहाँ पर
सरकार जो बोलेगा वही होगा, तुम अपना स्वतंत्रता में कुछ नहीं कर सकते। लोग दुखी दुखी थे उस समय, लेकिन इन लोगों ने गीता जाकर छुप छुप करके बांटे, और जब सरकार को पता चला ना, जेल में बंद कर दिए, और जेल में बंद कर दिए, और वो जेल में बैठ बैठ करके कैसे भजन करते थे जानते हो? जो ब्रेड होता था, अभी उनके पास में माला सब छीन लिया, जो ब्रेड है ना उसको एक एक गोला बना दिया, 108 गोला बना दिया, 108 गोला बना करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके एक एक ब्रेड का गोला पर रखते थे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 दूसरे गोला, ऐसे करके बैठ बैठ के भजन किए प्रभु। हम जाते मैं जाता हूँ वहाँ पर रसिया में, उसको सुन करके ना मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जिनको जेल में बंद करते अभी वो लोग है, वो हमारे परिक्रमा भी वो लोग आते हैं, हमारे परिक्रमा भी आते हैं, इतने कष्ट करते हुए उन लोगों ने भजन किया, जो सोच भी नहीं सकते इतने कष्ट करके उन लोगों ने भजन किया, कोड़े खाए बड़े कष्ट करके भजन किया, जा करके बोलते थे हम पहाड़ के ऊपर में कहीं जाकर छुप गए, जो पुलिस ही पकड़ने के लिए आया। और एक समय क्या हुआ, जैसे जेल में जिसको जेल में रखा जाता है ना, वो पाप कर्म करते बुरा कर्म, उसको पिटाई भी होता है, एक समय पिटाई हो रही थी, एक तरफ से पिटते पिटते आ रहा था जो जेल में थे, आते आते इस्कॉन का जो भक्त थे ना, ठीक वो हमको बोलते थे, हम जाता हूँ उन बोले पहले, जैसे यहीं पर कल ख़त्म हो गया, कल से इनकी शुरुआत होगी, पिटाई शुरुआत होगी, ये बैठ बैठ कर तो हरिनाम कर गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 भजन कर गए, और सुनाई पड़ रहा है, चिल्ला रहे मत मारो छोड़ दो, गलती हो गई भूल हो गई और नहीं करेंगे, और इनका नंबर कल से आएगा, अभी वो सोच रहे नंबर हमारे कल का आएगा, तो उन्होंने जो भक्ति जगत में कोई विपत्ति आए ना, हम लोग नरसिंह भगवान की याद करते, जैसे प्रहलाद के ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन नरसिंह भगवान सब विपत्ति से दूर किया है, अभी इनका नंबर आएगा, भगवान का नाम दे नरसिंह देव, अब तो प्रहलाद को रक्षा किए, नरसिंह भक्तों को रक्षा किए, इसलिए कल हमारे ऊपर पिटाई किया होगा, ये भगवान को पुकार रहे। क्या हुआ जानते हो, जो 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 पिटाई कर रहा था, रात को जब सोया है ना, भगवान स्वयं उसको घर में गया, ठाकुर जी नरसिंह देव प्रकट हो गए उसको घर में, और उसको छाती के ऊपर बैठ गए, बोले दुष्ट कल से मेरे भक्त का नंबर आएगा, उन्होंने नरसिंह रूप में प्रकट छाती में बैठ गए, बोला अगर मेरे भक्तों के ऊपर में कोई अत्याचार हुआ ना, तेरे छाती को मैं फाड़ दूंगा, और उन्होंने उसको छाती के ऊपर नाखून उन्होंने लगा दिए, दाग आ गया, और इतने भयंकर आधा शेर आधा नर उसको देख करके चिल्ला पड़े, बोले तेरे भक्तों को मैं कल कुछ नहीं बोलूंगा, हमको माफ कर दो, नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा। और सबर होते ना भागते भागते आया, अरे जिसको ने के जो भक्त थे, बोले तुम्हारी जो भगवान को बोल दो, तुम लोगों को मारूंगा नहीं, पता नहीं रात को कोई एक भयंकर प्राणी मेरे घर में आ गया, और देखो मेरे छाती में दाग है, मेरे छाती में दाग बड़ा हुआ, कोई अगर भयंकर प्राणी आया, बोले अगर उनको मारोगे तो जान से मार दूंगा, तुम ठाकुर को प्रार्थना करो, मैं तुमको कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, वो कांप रहा था, थर थर कांप रहा था, इसलिए अगर हृदय से भगवान को पुकार ना, भगवान भी भक्तों को रक्षा करते हैं, इसलिए हाँ नरसिंह देव की, प्रहलाद महाराज की, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्त लोग रोते हैं क्यों, बल्कि इसलिए भक्त लोग रोते हैं, दूसरों को दुख को देख करके भक्त लोग रोते हैं, भैया इनको भी सुख मिले, इनको भी शांति मिले, इसलिए ये रोते हैं। बोले अन्य लोग की विवेचना कर छे ता तार ग्राह्यर विषय हो छे ना, जैसे भक्त लोग कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, लोट पुट खाते हैं, लेकिन वो जो अवस्था है वो अवस्था पर उन्नत अवस्था है, उसी अवस्था में वो शरीर में नहीं रहता है, शरीर से वो ऊपर रहता है, ऊपर से रहने का नाते उसी समय उसका जो संबंध है ये जगत में किसी व्यक्ति को साथ में नहीं,
उसका संबंध भगवान को साथ में, भगवान को साथ में होने का नाते कौन मेरे को देख करके हंस रहे हैं, रो रहे हैं, देख कर कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसको इसी जगत का कोई ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि वो संपूर्ण भगवत चिंतन में रहता है, ठाकुर के चिंतन में रहता है, पूरा उसको जो तार जुड़ जाता है भगवान के साथ में, इसलिए उनके अंदर में इसी जगत का कोई ध्यान नहीं रहता और निश्चिंत तो हो करके क्या करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वो भगवान का नाम को करता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भागवत में एकादश स्कंध में जब नमी महाराज नव्य जोगेंद्र को प्रश्न किया आत्मा को शांति कैसे मिले, कल सुन रहे थे ना आत्मा को शांति कैसे मिले, वो एक प्रसंग है। यहाँ पर दूसरा प्रसंग आता है नव जोगेंद्र, नौ बड़े बड़े कवि हबी अंतरिक्ष प्रभु तक बड़े बड़े ऋषि थे, जब नेमी महाराज का दरबार पर पहुँचे तब नेमी महाराज नौ व्यक्ति को नौ का प्रश्न किया, उसमें पहला जो कवि उनको प्रश्न किया आत्मा को शांति कैसे मिले, जब उन्होंने प्रश्न किया उसको उन्होंने बहुत कुछ बताए और उसका अंतिम में कहते हैं बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुत चीत उच्चई असत्यथ रोध तिरौती गायत उन्मत बत नृत्यति लोकवाज्यम। कहते आत्मा को शांति कब मिलेगा, जब तक भगवान की भक्ति रस में जीव डूब नहीं जाता है ना तब तक जीव को पूर्ण शांति नहीं मिलता है। यहाँ पर कहते भगवत भक्ति में डूबेगा कैसे, उसका उपाय क्या है, बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा, जैसे हम लोग कोई व्रत धारण करते हैं, हमने व्रत रखा है, व्रत रखा मतलब क्या है, हमने शपथ लिया है आज का दिन हम कुछ भोजन नहीं करेंगे, वह कोई व्रत रखते हैं ना, हम ये व्रत रखा है, प्रतिज्ञा की है, बोले हमको जीवन में व्रत क्या रखनी चाहिए, बोले स्वप्रिय नाम, अपना जो प्रिय नाम है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भगवान का नाम को ही जीवन का व्रत बना दे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सयने की भोजने की वा जागरणे अहर निश चिंत कृष्ण बोला भजने, महाप्रभु कहते हैं सोते उठते जगते क्या करो, हर समय भगवान की नाम करो, हर समय भगवान का नाम ही जीवन का व्रत बना लो, हाथ में काम करो जो कुछ करते हो सेवा करो और भगवान के मुँह में नाम लो। अगर जीव कभी अगर ये चीज का अपना व्रत अगर जीवन में बना दिया तो, लेकिन भगवान का नाम तो मीठा है ना, लेकिन कभी कभी किसी को कड़वा भी लगता है, जैसे मिश्री मीठा है कड़वा किसको लग गया, जिसको जंडी सी हो जाए, जिसको पीलिया की बीमारी हो जाए, भगवान का नाम तो मधुरम मधुरम बेतद मंगलम मंगला नाम, मधुर से भी मधुर मीठे से भी मीठे, लेकिन अभी हम भगवान का नाम हमें मीठा नहीं लगता है, दूसरा कोई चुगली हो निंदा हो ना बाबा जोश आ जाता है, कोई भूत का सांप का बात होना अरे हमने इतना बड़ा भूत देखा था ए इतना बड़ा सांप, एनर्जी आ जाता है, लेकिन जब बोलो भगवान का नाम करो ना बोले भैया नींद आ रही बालिश तकिया लाओ नींद आ रही है। इसलिए क्या करनी चाहिए, इसको उपाय कहते हैं जैसे मिश्री मीठा लेकिन कड़ुआ लगता है, लेकिन क्या करनी चाहिए, डॉक्टर कहता है भैया मिश्री चूसते रहना तेरे को जंडिस का बीमारी है, कड़ुआ लगेगा मिश्री नहीं लगेगा लेकिन चूसते रहो, लेकिन चूसते धीरे धीरे तुम्हारे कड़ुआपन खत्म हो जाएगा, जब मिश्री मीठा लगने लग जाए समझना बीमारी खत्म। कहते जब तुम भगवान का नाम तुमको मीठा लगने लग जाए समझना बस तुम्हारी बीमारी खत्म हो गया, अगर भगवान का नाम में तुम्हारी रुचि हो गई प्रभु का नाम में समझना जीवन तुम्हारी धन्य हो गया, बस तुम्हारी साधन भजन का सब फल तुमको प्राप्त हो गया, सब फल तुमको मिल गया जब भगवान का नाम में जीव का रुचि हो जाए है। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान का नाम को ही जीवन का व्रत बना लो, उठते बैठते हनुमान जी क्या करते, रघुपति राघव राजा राम 24 घंटा यही नाम जप करते हर समय दिन भर, शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा पंचमुख में प्रभु का नाम ही जप करते, सारे 33 करोड़ देवता प्रभु की नाम जप करते और कुछ नहीं करते हैं,
माता जी के हाथ में देखना माला है, ब्रह्मा जी के चार हाथ में देखोगे माला, सरस्वती के चार हाथ में माला, सब माला जप करते हो, कुछ नहीं करते, भगवान के भजन करते हैं। गणेश जी महिमा जासु जान गणराव प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, केवल नाम करते, सब 33 करोड़ देवता कुछ नहीं करते, वो सब माला जप करते सबके सब, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाले हैं, इसलिए वही प्रभु का नाम और कुछ नहीं करते सबके देवता, और सारा दुनिया नाम के प्रभाव से सारा दुनिया चल रहा है। हनुमान जी दुनिया को सब दे रहे हैं नाम के प्रभाव से, शंकर जो कुछ दे रहे हैं प्रभु का नाम के प्रभाव से दे रहे हैं और कुछ नहीं, हरि का नाम ही जीवन का सार ही है। और अंतिम समय जब ले जाएंगे यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, फिर जिंदा रहते हुए मरते समय सुना दे। अरे मरते समय सुना कोई, जिंदा रहते हुए बोलो ना, जिंदा रहते हुए तो बोलो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान का नाम धीरे धीरे करते करते क्या जाता अनुराग, धीरे 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 भगवान का नाम में हमारी अनुराग होने लग जाएगी। जो अनुराग होगा फिर क्या होगा, जो चित्त है ना द्रवीभूत होने लग जाएगी, जैसे हमारे तदस्म सारम। हाँ इसलिए कहते अगर भगवान का नाम को लेकर हृदय तुम्हारी द्रवीभूत नहीं हो रहा है, समझना हृदय नहीं तुम्हारा पत्थर है, हैं पत्थर है तुम्हारे हृदय। इसलिए कहते भगवान के नाम लेकर अगर हृदय गदगद होता है, समझना हृदय तुम्हारी सही है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्या होता है, धीरे 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 तुम्हारी हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगा, फिर क्या होगा, फिर भगवान का जो नाम लेते लेते कहते हैं हसत्यथ, कभी कभी हंसने लग जाएंगे, बोले क्यों हंसते हैं, भगवान के नाम करते करते भगवान की सुंदर सुंदर लीला दिखने लग जाते हैं। कृष्ण कैसे घर घर में मक्खन चोरी करते हैं, हैं कृष्ण कैसे घर घर में मक्खन चोरी करती हैं, ब्रज गोपियाँ कैसे पकड़ करके ले जाती हैं, मैया को पास में कैसे ले जाती हैं, और मैया को पास में जब ले जाती है देखते कृष्ण तो अंदर में सोए पड़े हुए, मैया जैसे तो थपथप लगा कर सुला रही हैं, जब बोलते हैं बोले कृष्ण था हमारे सोए हुए, किसको लेकर के आए, देखा उसको बेटे को लेकर के आए। इसलिए बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीला दर्शन करने को मिलता है, इसलिए हसत्य तो रोदती, क्यों रोते हैं, जब हृदय से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं उसका विरह में रोने लग जाते हैं। बोले नृत्यति नाचते हैं क्यों, जब हृदय से ठाकुर अंतर ध्यान हो जाते हैं कृष्ण विरह में इतने दुखी होने लग जाते हैं, मानो प्राण को त्याग दे देंगे, भगवान सोचते हैं कि तो प्राण त्याग देगा ठाकुर, फिर उसको दो बार दर्शन दे देते हैं। जब दर्शन देते हैं बस देख करके ठाकुर को नृत्यति, फिर नाचने लग जाते हैं, बोले लोक बाह्य, लोक क्या बोलते नहीं बोलते उसको ग्राह्य नहीं करते हैं, प्रभु की भजन में दुनिया किया जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, इसलिए दुनिया क्या जानता है, मैं तो ठाकुर जी का बन गया हूँ दुनिया क्या जानता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले इसी विषय पर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं बोले की बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करी ल पागल। महाप्रभु अपना गुरुजी को कहते बोले गुरुजी आपने क्या मंत्र दिया है, आपने ऐसे मंत्र दिया, मैंने प्रभु तो मंत्र को जप करते 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 ये मंत्र तो मेरे को पागल बना दिया, ये मंत्र मुझे पागल बना दिया, इसलिए हासाए नाचाए मोरे कराए क्रंदन, एतो सुनी गुरु मोरे बलीला बच्चन। जब प्रभु का नाम जप करता हूँ कहते मैं हंसता रोता मैं नहीं, महाप्रभु को पूछे क्यों हंस रहे हो क्यों रो रहे हो, बोले मैं हंसने ही नहीं रहा हूँ, गुरु मेरे मूर्ख देखी करील शासन, तुम्हें मूर्ख तुम्हारे वेदांत नहीं अधिकार। गुरुदेव बोले बेटा तू बेकूफ हो वेदांत पढ़ नहीं सकते हो, मैं तुमको ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये महामंत्र देता हूँ, ये मंत्र को तुम जप करो। और मैं मंत्र जप करते 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 एक दिन देखा पता नहीं मेरा मन क्या हो गया पागल हो गया कृष्ण नाम में, और देखा वृंदावन में जमुना नदी कलकल कलकल नाद से बह रही है, बड़ी सुंदर कदम वृक्ष उसको नीचे कृष्ण खड़े होकर के बंसरी बजा रहे और मेरे को बुलाते हैं इधर आ जा। अरे मैं देख करके पागल हो गया, जब उनको पकड़ने के लिए गया पकड़ ही गया था, देखा नहीं और दूसरे जगह पर मेरे को बुला रहे। इसलिए जब जब मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ देखता हूँ वृंदावन में
कृष्ण को जमुना किनारे में बंसरी बजाती हुई देखता हूँ, गुरु जी बोले बेटा यही हरिनाम का फल है, तुम्हारी हरिनाम करना सार्थकता होगा, यही हरिनाम करने का यही फल है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। अगर ये हरिनाम को अगर हम करेंगे तो इसका यही स्वभाव है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। नाम रूपे कलियुग कृष्ण बता, भगवान कलियुग में नाम रूप में आए, ये नाम को जप करने पर इसका स्वभाव है भगवान के प्रति अपने आप तुम्हारी प्रेम हो जाएगी, अपने आप तुम्हारी प्रेम हो जाएगा। जय जपे तारे कृष्ण उपजय भाव, कृष्ण नाम रे फल प्रेमा सर्वशास्त्र कहे, भाग्य से ही प्रेमा तुम्हारे कल्ला उताए। इसलिए हरि नाम करते 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 अगर किसी के हृदय में भगवान के प्रेम हो जाए ना, कहते पृथ्वी का सबसे बड़ा संपत्ति भगवत प्रेम। महाप्रभु प्रश्न करते हैं राय रामान को, बताओ तो जगत में सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, जगत में सबसे बड़े धनी कौन है? तब उसका उत्तर देते हैं, अगर जीवन में किसको कृष्ण प्रेम और धन मिल गया ना, इससे बड़ा धनी जगत में कोई नहीं। भगवान के प्रति प्रेम जिसको हो गए सबसे बड़ा धनी। इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन बड़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन चोर नहीं लेवे, लुटे नहीं जावे, खत्म होने वाले नहीं, ये धन ही तुम्हारे पास में रहेगा। और जितने जगत का धन है सबके सब खत्म हैं, ये धन आँख बंद होते ही सारे धन यहीं पर रह जाएगी हैं। इसलिए हमारे गुरु जी बोलते थे, अगर किसी को बोला थोड़ा भजन करो, बोले नहीं बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर जानी चाहिए ना। गुरु जी बोलते थे भैया बच्चों के लिए ज़्यादा पैसा मत कमाया करो, बच्चा अगर होनहार होगा तो कमाइएगा, अरे नालायक बनेगा तो सारे संपत्ति तुम्हारे लुटा देगा। इसलिए अगर कुपुत्र हो ना सब तो लुटा देगा, और सुपुत्र अगर हो बस दिन प्रतिदिन धन को थोड़ा बढ़ाएगा। इसलिए गुरु जी कहते थे ये धन को तुम कमाओ जीवन में, जो धन तुम्हारी काम में आए, इसी जीवन में भी जिसका तुम मालिक बनोगे अगले जीवन में भी मालिक तुम ही बनोगे और कोई नहीं बनेगा, वो भगवान का नाम था। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया ये धन को इकट्ठ करो, यही तुम्हारी काम में आएगा, जगत का कोई धन तुम्हारी काम में एक सुई धागा भी यहाँ से साथ में जाने वाले तुम्हारी नहीं, गुरु जी कहा करते थे हैं। इसलिए भगवान के नाम धन को कमाओ। यहाँ पर कहते हैं अगर सबसे बड़ा जो धन है भगवान के नाम धन है, इसलिए प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनुखो कृष्ण रे चरण प्राप्त प्राप्त उपाय जाए लोग, प्रेमार स्वभाव भक्त हास्य कांदे गाए उन्मत हैया इति उत जाए। जब भगवान का नाम करते हैं उसको क्या होता है, अपने आप हृदय में कृष्ण प्राप्ति करने का हृदय में उत्कंठा जग उठती है। इसलिए अपने आप कृष्ण चरण में प्राप्ति की नाम ही लोभ उत्पन्न करा देती है। और प्रभु का नाम करते करते क्या करता है, कभी हास कभी रोता है, कभी गाता है, कभी उन्मत्त होकर के इधर उधर भागता रहता है, कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के महाप्रभु जैसे कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, महाप्रभु पागल होकर के जहाँ कहाँ जाने पर वो कृष्ण हमें मिलेंगे कृष्ण हमें मिलेंगे, उन्माद होकर के महाप्रभु हैं इधर उधर भागते रहते थे, कृष्ण धन कब मिलेगा। इसलिए कहते जगत में सबसे बड़ा धन है कृष्ण धन है, भगवान की भक्ति धन है, प्रेम धन है। अगर ये धन में कोई धनी हो गए तो समझना जगत में सबसे बड़े धनी वही है। इसलिए कहते जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कांगाल हुए। इसलिए असली धन क्या करो, हरिनाम जप करो, ठीक है ना। माला को हर समय पास में रखा करो, हर समय माला को पास में रखो, क्योंकि एक जो श्वास जा रहा है, महाप्रभु कहते हैं भैया ये मानव शरीर का एक एक श्वास नहीं, एक एक कोहिनूर हीरे, महाप्रभु कहते हैं कोहिनूर हीरे, क्योंकि एक एक श्वास में अगर प्रभु का नाम तुम्हारे निकलेगा तो समझना तुम्हारी एक एक श्वास की सार्थकता है, नहीं तो सब श्वास बेकार है, बेकार है तुम्हारी श्वास जा रहे हैं। क्योंकि उदाहरण देते थे जैसे अंबानी कंपनी वाले, डॉक्टर बोल दिया इसका अंतिम श्वास है, परिवार कहते हैं इसको तुम चार कोई नहीं हीरे दे रहे, उसको चार श्वास को वापस ले आओ, ला सकते हैं, ला सकते हैं एक श्वास को नहीं। इसलिए ये मानव शरीर का एक एक श्वास का बड़ा कीमती भैया,
इसलिए महाप्रभु कहते इस बर्बाद मत करो, एक एक श्वास में तभी सार्थक होता जब प्रभु के नाम निकले, ठीक है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर ब्रह्मानंदे हरे, जय श्री श्री गुरु।